नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान से प्यार के चक्कर में आई सीमा हैदर, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल सकता है, मिलने की संभावना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत के संविधान के खिलाफ इनको चुनाव लड़ने दिया जाएगा? बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी ने सीमा हैदर को अपने पार्टी में शामिल करने का मन बना लिया है, सब ने टिकट देने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सीमा हैदर ने हिंदुस्तानियों के दिलों में जगह बनाया है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको वो उनको अपना बहू बेटी मानते हैं, हिंदुस्तान की बहू मानते हैं, कोई अपना बेटी मानता है। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं जो उन्हें अपने पार्टी में शामिल करना चाहता है। अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो एक कलाकार के तौर पे उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन अगर हम राजनीति की बात करते हैं, वो भी भारत की राजनीति में बात करते हैं, तो यहाँ के संविधान में कैसे वो आ पाएंगी? यहाँ के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि विदेश से आए मेहमान को यहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। क्या आपको लगता है कि सीमा हैदर सच में राजनीति ज्वाइन कर पाएंगी, वो भी भारत में? सीमा हैदर अगर कर भी पाती हैं, अगर उनको देखा जाए, अगर वो तो वो उनकी वो दो शर्तें जो वो पूरी नहीं करती हैं, और वो शर्तें क्या हैं? पहले तो यही शर्तें हैं, चुनाव आयोग के वेबसाइट में 84 यानी कि 84 अनुच्छेद 84 के अनुसार वो भारत की नागरिक नहीं हैं, और भारत की नागरिक ना होने की वजह से उनको यहाँ पे लोकसभा में या फिर विधानसभा में, मतलब कि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता। ये सिर्फ लोकसभा में नहीं, राज्य को चलाने वाले विधानसभा में यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि किसी भी विदेशी व्यक्तियों को, यानी कि विदेश से आए हुए किसी भी व्यक्ति को, अगर जब तक उनके पास नागरिकता नहीं है तब तक उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जा सकता है। दूसरी शर्त ये है कि सीमा हैदर अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के अनुसार अभी वो 21 साल की है, जबकि चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, 25 साल की उम्र महज ज़रूरी है, लेकिन वो अभी 21 साल की हैं। हालांकि उन्होंने अपनी उम्र घटवाई है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। संविधान के अनुसार, उनके पासपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो वो अभी 21 साल की हैं। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में शामिल होने का वो सोच भी रही हैं, तब भी वो नहीं हो पाएंगी। अगर उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है तो क्या आपको लगता है वो शामिल हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल शामिल नहीं होंगी, क्योंकि 2024 में तो वो 22 साल की हो जाएंगी, क्योंकि अभी महज 21 साल की हैं। तो 22 साल में भी उनको भारत की नागरिकता मिलने के बावजूद भी वो लोकसभा चुनाव में भाग नहीं ले सकती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया है जिसमें कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI के प्रमुख रामदास अठावले की सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रही है जिसमें वो सीमा हैदर को टिकट देने से मना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप देखिए इस वीडियो में। वो जी बोला है, नहीं सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में, मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे कि किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था, तो उधर उन्होंने मतलब ऐसा मुंबई में मेरा बांदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, इसके बारे में डाउटफुल स्थिति है। और उनको मतलब अगर टिकट देना ही है तो उनको इंडिया से उनको पाकिस्तान का टिकट हम देंगे, लेकिन यहाँ पार्टी का टिकट लेने का सवाल नहीं है। तो राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो इस तरह की अफवाहें ना उड़ाई जाएं। और दूसरी बात ये कि अगर बॉलीवुड में उनको काम मिल जाता है तो महज एक कलाकार के रूप में वो काम कर सकती हैं। हालांकि अभी भी ATS की टीम लगातार उन पे जांच बैठाई हुई है और लगातार उनसे पूछताछ कर रही है कि क्या सच में वो पाकिस्तानी एजेंट हैं कि नहीं है। और भी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।